स्थानीय गणेश स्टोर में एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर के अधिकारियों ने दबिश देकर दो दुकानों से 3 क्विंटल 24 किलो पॉलिथीन जब्त कर बड़ी कार्यवाही की है। वहीं गणेश स्टोर से 3 क्विंटल पॉलिथीन, हुसैन हार्डवेयर से 24 किलो कैरी बैग जब्त कर गणेश स्टोर पर 30,000 व हुसैन हार्डवेयर पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पॉलिथीन बैन किए जाने के बाद भी धड़ल्ले से पॉलिथीन स्टॉक किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैज्ञानिक SN कटारे एवं सहायक वैज्ञानिक राघवेंद्र सिंह नगर पालिका की संयुक्त कार्यवाही कर गणेश स्टोर से 3 क्विंटल पॉलिथीन जब्त कर 30,000 रुपए का बैन लगाया गया। वहीं एक अन्य दुकान हुसैन हार्डवेयर से 24 किलो कैरीबैग जब्त कर 5,000 का जुर्माना लगाकर पॉलिथीन नगर पालिका ने जब्त की। वहीं अधिकारियों से बताया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। सर क्या आपका परिचय क्या है सर? मैं SN कटारे हूँ, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंदौर से आया हूँ, प्रभारी अधिकारी बड़वानी। सर आज क्या कार्रवाई की गई? ये कैरी बैग प्लास्टिक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बैन किए हुए हैं और ये इन गणेश स्टोर पे हमको छापेमारी कार्रवाई में 3 क्विंटल से अधिक ये जब्त की गई है बड़वानी नगर पालिका बड़वानी द्वारा। वो भी हमारे साथ हैं, उनका दल भी है और उनको 30,000 रुपये उन्होंने जुर्माना भी लगाया कार्रवाई आज की है। एक हुसैन हार्डवेयर का उसको वहाँ भी कार्रवाई की गई और वहाँ पर 23 से 24 किलो कैरी बैग जब्त की है और 5,000 जुर्माना लगाया। सर ये कार्रवाई लगातार जारी रहे जारी रहे वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।